Students, I am Vajiha, your SSC teacher. Now I am going to explain you the summer task of social study, my work activity number 3. I am starting from activity number 3. Now, first thing is write about the names of healthy and unhealthy food. You have to write names of 5 healthy and 5 unhealthy food. Now, what is healthy food? Healthy food is which is good for our health and unhealthy food is bad for our health. Now, think by yourself. And write 5 names of healthy and 5 unhealthy. Match the product to the main ingredients, which is milk. So, आपने बताना है कि 4 चीजें हैं, like cheese, oil, yogurt, butter. ये किस किस से बनता है? क्या cheese जो है वो milk से बनाई जाती है या corn यानी मकई से बनाई जाती है? तो आपने देखकर बताना है और match करना है. Oil जो है वो corn से बनाया जाता है या milk से बनाया जाता है? जिससे बनाया जाता है आपने उसे से match करना है. Likewise yogurt और butter भी milk से बनाया जाता है या corn मकई से बनाया जाता है तो आपने उसके साथ उसे match करना है. Now activity number 4 is fill in the blanks. You have to read the chapter unit number 3 thoroughly. For this, fill in the blanks. The fill in the blanks are taken from there. Chapter unit number 3. First is Mr. Habib Ali's dash year old. Second, he lives in the dash. And Mr. Ali works at the dash in the bank. Fourth, he wake up dash in the morning. You have to write information about Mr. Habib, which is the main character of unit number 3. 5. When you will thoroughly read this chapter, you will easily solve this blank. 5th one is your school is called dash. You have to write name of your school. 6. When students leave school, they usually go to a dash or some go to a dash. And jab bache school chhod dete hain, to kahan jaate hain? Kuch college jaate hain aur kuch matlab jahan wo padhne jaate hain aage, kahan par wo padhai karte hain, to aapne batana hai. 7. We have to think dash before and doing anything. Hame कुछ भी करने से पहले कितनी बार सोचना चाहिए. 8. डैश हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, यानी हमारी जो लापरवाही है उसकी वजह से क्या होता है. 9. क्रॉस द रोड एट द डैश, हमें रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए, रोड पे कौन सा साइन होता है जहाँ से बताया जाता है कि यहाँ से हमें रोड क्रॉस करनी है, लाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग और वॉट. 10. एट योर होम यू शुड नेवर प्ले विद डैश, यू मे बर्न योर सेल्फ, यानी हमें घर पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें जला सकती है, इसलिए हमें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, यानी हर्ट कर सकती है, बंद कर सकते हैं, सॉरी जला सकते हैं, तो हमें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए. 11. यू शुड नेवर टच बियर डैश, हमें क्या चीज़ है, बियर मीन नंगा, यानी कौन सी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में जो नंगी तारें होती हैं, बियर वायर्स होती हैं, उनको हमें नहीं छेड़ना चाहिए. 12. यू डू नॉट गो आउट अलोन ऑन द डैश, यानी अकेले कहाँ पर बाहर नहीं जाना चाहिए. 13. इज डैश एंड डैश आर हार्मफुल फॉर आर हेल्थ, क्या चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं. 14. टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योरसेल्फ डैश, यानी हमें सेहतमंद रहने के लिए अपने आप को क्या रखना होगा, क्लीन रखना होगा या जो भी आपको लगता है आप पढ़ के लिखेंगे. 15. डैश प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, तो क्या चीज़ें जो हमारी बॉडी को हीट से भी प्रोटेक्ट करती है, यानी गर्मी से प्रोटेक्ट करती है और सर्दी से भी प्रोटेक्ट करती है. देन है ट्रू फॉल्स, ये भी उसी चैप्टर में, जब आप थोरली रीड करेंगे चैप्टर तो यू कैन सॉल्व दिस ट्रू एंड फॉल्स. तो इसके लिए आपको थोरली ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से देखेंगे इस यूनिट का पेज जो है, इस यूनिट नंबर 3, तो वहाँ से आपको ये ईजिली आप पता कर सकते हैं. जब आप थोरली चैप्टर रीड करेंगे तो आप आसानी से ईजिली ये सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज द पर्सन हु फर्स्ट वर्क ऑन द हाउस इज कॉल्ड आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट होता है जो घर बनाता है, ठीक है, घर को डिज़ाइन करता है. तो आप बताएंगे क्या वो आर्किटेक्ट होता है जो घर पर काम करता है, यानी घर बनाता है. एन इलेक्ट्रिशियन नॉट पुट्स इन ऑल वायर्स, या आपने बताना है. ट्रॉवल यूज इज फॉर अ प्लम्बर, टूल्स आर यूजफुल बट यू कैन हर्ट. सम ऑफ वर्कर्स जस्ट मेक स्मॉल थिंग लाइक टेबल एंड चेयर्स. लुक एट द राइट एंड लेफ्ट एंड देन राइट अगेन एंड देन क्रॉस द रोड, इज इट ट्रू फॉल्स, यू हैव इज इट ट्रू और फॉल्स. विच स्टेटमेंट इज ट्रू यू हैव टू राइट टी एंड विच इज फॉल्स यू हैव टू राइट एफ और टिक और क्रॉस व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू. 7. फ्लाइज लाइक क्लीन प्लेसेस, के जो मक्खियाँ होती हैं उन्हें साफ जगह पसंद होती हैं. 8. वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग, क्या ये बात सही है कि हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए. 9. यू मस्ट थ्रो रबिश ऑन द रोड, कि आपको कच्चा सड़क पर फेंकना चाहिए. और 10. अ क्यू इज लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, जो क्यू होती है, हम किसी बैंक के बाहर बनी हो या कहीं भी, तो उस क्यू जो होती है लोगों की कतार, क्या वो इंतज़ार करने वाले लोगों की होती है, तो ये ट्रू है या फॉल्स आप बताएंगे. आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन क्यू. क्यू क्या है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है कि अ क्यू इज अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, इन जो लोग
वेट कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी लाइन को हम क्यों कहते हैं? वेल ये आपके चैप्टर में है, आप थोरली रीड करेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट. राइट डाउन एनी फाइव रूल्स हाउ यू कैन क्लीन योर सेल्फ. आपने फाइव ऐसे रूल बता दें जिससे आप अपने आप को साफ रख सकते हैं. लाइक आई टेक अ बाथ, आई वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग, आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ. लाइक सो आपको लगता है थिंक बाई योर सेल्फ. थर्ड, राइट डाउन द कॉज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन. दिस चैप्टर डिस्क्राइब एयर एंड वाटर पोल्यूशन वेरी वेल, यूनिट नंबर थ्री. सो यू हैव टू टेल, आपको बताना है कि किस वजह से हमारा जो एयर और वाटर पोल्यूट होते हैं, गंदा होते हैं, जो हमारी फिजा है और पानी किस वजह से गंदे हो रहे हैं. ओके, योर एक्टिविटी नंबर फोर एंसर. गुड लक, अल्लाह हाफिज़.